मैंने शुरू किया था जब मैं 8 साल का था। सबको पता है इंडिया में कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं। मुझे नहीं पता था मैं खेल पाऊंगा या नहीं, इंडियन टीम में पहुंच पाऊंगा या नहीं। अगर आपको क्रिकेट में कुछ हासिल करना है तो डेडिकेशन और हार्डवर्क के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आई नेवर थॉट कि अंडर 19 इंडिया खेलने के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुझे सीधा चांस मिल जाएगा इंडियन टीम में। बस क्रिकेट ही मेरे लिए सब कुछ है और क्रिकेट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मेरे से काफ़ी और टैलेंटेड लोग हैं जो इंडियन टीम में खेल रहे हैं और जो पहले खेले हैं, जो मैं भी मानता हूँ खुद। मैं एक ऑर्डिनरी करियर नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि लोग कल को बोले कि यार ठीक है, वो एक प्लेयर था जो इंडिया के लिए खेला था। Who wouldn't want to be India captain, यार? Fairy tales do come true. अगर मैं कंप्लेन करूं तो मतलब मुझसे ज़्यादा नेगेटिव इंसान नहीं हो सकता है दुनिया में, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। अपने आप को डाउट मत करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत, एक ऐसी ताकत जिसने विराट कोहली को बनाया क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह। फॉर एवरी टाइम ही प्लेज क्रिकेट it feels like you should stop doing everything and come and sit on the sofa and watch him play. As a bowler, if I have to bowl at him, I'll be worried. In one day cricket, he's probably right up there with the very best of all time. India is very lucky to have someone like Virat Kohli. He comes across as a very flamboyant and, you know, very loud, but he's got a shrewd head. He talks the talk and walks the walk, you know what I mean? He backs it up. It's actually not one word, it's role model. This bloke is a winner, he wants to win. You know, Virat Kohli is different, let's accept it. He's a champion player. He is somebody that we'll have to look up to, you know, in the future, because he's somebody who'll, you know, take the team forward for a long time. 18 अगस्त 2008, 19 साल के विराट कोहली ने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा। Hi, I'm विराट कोहली, I'm a right hand batsman, I'm from Delhi. विराट को उठा के मारना मुझे बहुत पसंद है। फ्लिक शॉट ही मेरा फेवरेट स्ट्रोक। टीम इंडिया में आना ही मेरा सपना है और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सबकी नजरें विराट कोहली पर थी, एक ऐसा यंगस्टर जिसने स्कूल क्रिकेट से ही सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया था। विराट बचपन से ही अपने से सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके बराबर के खिलाड़ी उन्हें कभी आउट ही नहीं कर पाते हैं। To be honest, I've never wanted to be average since I was small. In my club cricket days, you know, I wanted to score the highest number of runs for my team, make the team win the game. बचपन से ही विराट अपनी टीम के लिए मैच विनर बनना चाहते थे और दुनिया ने इसकी पहली झलक देखी 2 मार्च 2008 को। विराट कोहली की कप्तानी में भारत की अंडर 19 टीम ने 159 रनों का टोटल डिफेंड किया और भारत बन गया वर्ल्ड चैंपियन। Feeling on top of the world. Obviously, जैसा reception मिला है हमें घर पे, obviously Bangalore में और specially Delhi में। Bangalore अच्छा था लेकिन Delhi उससे भी अच्छा था, तो और ज़्यादा खुशी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। Under 19 World Cup जीतने के बाद विराट कोहली इंडियन क्रिकेट के पोस्टर बॉय बन चुके थे। विराट कोहली को उसके बाद IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिला। चारों तरफ विराट के ही चर्चे थे और कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा शोहरत मिलने से इंसान भटक जाता है। अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली ने भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया। IPL के फर्स्ट ईयर में जरूर कैरिड अवे हुआ जब मैं अंडर 19 इंडियन टीम से IPL में आया। बहुत ग्लैमर था, बहुत अटेंशन था, बहुत फोकस था सब प्लेयर्स पे, स्पेशली जो यंग प्लेयर्स थे। तो मैं काफ़ी कैरिड अवे हो गया। सब सीनियर इंडियन टीम के प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिल रहा था, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मैं खेला, तो मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ और क्रिकेट से फोकस हट गया। उसके बाद फिर मैंने एनालाइज़ किया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ अपना टाइम और जो मेरा एक गोल है, जो मेरा विजन है, उससे मैं हट रहा हूँ। IPL के 13 मुकाबलों में विराट सिर्फ 165 रन बना सके। विराट कोहली अपने गोल और विजन दोनों से ही भटक रहे थे। एक ऐसा गोल जो उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े झटके ने दिया था। तारीख थी 19 दिसंबर 2006। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ मेरी लाइफ में जब मैं 17 साल का था, व्हेन माय फादर पास्ड अवे एंड आई हैड टू गो आउट एंड प्ले अ मैच फॉर दिल्ली, और वो मैंने किया। और उसके बाद मुझे समझ आया कि
कितनी इम्पोर्टेंस है मेरे स्पोर्ट की मेरी लाइफ में, और मैं नहीं चाहूँगा किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन बना और उसके बाद मुझे विजन मिला कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में. दैट वॉज द डे व्हेन आई स्वोर टू माई सेल्फ दैट आई एम गोना प्ले फॉर इंडिया एंड आई एम गोना बी एज सक्सेसफुल दैट आई कैन. विराट कोहली अपने पिता का सपना पूरा करना चाहते थे. टीम इंडिया में सेलेक्ट तो विराट हो चुके थे, लेकिन अभी प्लेइंग 11 में विराट कोहली की जगह तय नहीं थी, और कुछ समय बाद विराट कोहली को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है. जब मैं टीम से बाहर हुआ तो मुझे इम्पोर्टेंट समझ आई कि जो ये चांस मिला है काफ़ी लोगों को नहीं मिल पाता है, तो इसको गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई लोग मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो नहीं खेल पा रहे हैं, तो जब मुझे खेलने का मौका मिला तो मैं क्यों मेहनत ना करूं? He is one youngster who has developed really good. I still remember the days, you know, when he was part of the side, then he was dropped and then he came in and, you know, he was initially, I think the Sri Lankan series he batted, he opened for us and, you know, then in between he batted lower down for us. I always felt he was a top order batsman, and the good thing is once he got a chance to bat at number 3, you know, he made sure that, you know, he grabs that opportunity. Virat Kohli ne Bharatiya team mein wapsi ki aur 2009 mein apne ODI career ka pehla shatak lagaya aur shatak bhi lagaya Bharatiya cricket ke makka kahe jane wale Eden Gardens par. Uske baad Virat Kohli ne consistently acha perform kiya aur 2011 World Cup ki team mein apni jagah banayi. वर्ल्ड कप में डेब्यू पर 100, भारतीय टीम वर्ल्ड कप भी जीती, और फिर आई विराट की वो स्टेटमेंट जिसने सबका दिल जीत लिया. विराट ने कहा कि सचिन तेंदुलकर ने 21 सालों से पूरे देश का भार अपने कंधों पर उठाया और अब वक्त था कि हम सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठाएं. सचिन तेंदुलकर का लास्ट वर्ल्ड कप था जो हमारे सबके आइडल रहे हैं 21 साल से, मतलब उन्होंने जो इंडियन क्रिकेट के लिए किया मुझे नहीं लगता और कोई कर पाएगा या किसी ने किया, तो एक वो बहुत हमारे लिए इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उन जब हम वो जब लास्ट ओवर रन बना और जब हम फील्ड पे भागे तो सबके दिल में एक ही बात थी कि एक इंसान के लिए हमने किया है और पूरी मेहनत लगाई है और वो हमारे साथ टीम में है, और जो उनका हमने इमोशन देखा तो हमारे लिए सबके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था. साल 2012 का आगाज विराट के लिए अच्छा नहीं रहा. भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेल रही थी. विराट का बल्ला खामोश था, लेकिन उसके बावजूद विराट कोहली खबरों में थे. खबरों में थे गलत वजहों से. वन मिस्टेक, ऐसा तो कुछ नहीं किया है जो मैं रिग्रेट, मे बी फ्लिपिंग द मिडिल फिंगर वाज समथिंग दैट आई कुड हैव सॉर्ट ऑफ स्किप्ड इट. तो हो कैसे गया ये? आई एम अ नो नॉनसेंस पर्सन, सो बहुत बहुत ज्यादा हो गया था. दिल्ली का हूँ यार, क्या करूँ. सिडनी के बाद अगला टेस्ट मैच था पर्थ में, और सेलेक्टर्स विराट कोहली को टीम से ड्रॉप करना चाहते थे. शायद उस दिन विराट कोहली अगर ड्रॉप हो जाते तो इतने बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाते, लेकिन विराट को बैक किया कप्तान MS धोनी और उप कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने. वॉन्टेड टू गिव अ स्पेस टू ग्रो एंड दैट टू मी इज अ वेरी वेरी स्पेशल यू नो जेस्चर from someone who's been around for so long to still be able to take pressure off the youngsters. So I think from that point of view he's helped me a lot in the initial phases of my career. Virat Dhoni aur Sehwag ke bharose par khare utre. Perth test mein dono innings mein Bharat ke top scorer rahe. Adelaide test mein apne test career ka pehla shatak bhi jamaya. Lekin Virat ke career ka turning point aaya ODI tri series mein. Bharat ka mukabla tha Srilanka se aur Bharatiya team 321 ranon ka total chase kar rahi thi. चुनौती इसलिए बड़ी थी क्योंकि भारतीय टीम को ट्राई सीरीज में बने रहने के लिए वो टारगेट 40 ओवर्स में चेज करना था, और चेज करते हुए विराट कोहली ने एक शानदार शतक लगाया. एक ऐसा शतक जिसे देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था. भारतीय टीम ने 37वें ओवर में वो टोटल चेज कर दिया, और 28 फरवरी 2012 को दुनिया ने पहली बार देखा कि चेज करते हुए विराट कोहली कितने शानदार और कितने बड़े खिलाड़ी हैं. He is an absolute street fighter, this bloke. He really is. I mean, that's why he's so brilliant in run chases in one day cricket for India, because he sees that target and it's like, over my dead body, I'm going to get that target. For me, victory is the greatest feeling, and that for me is the biggest craving. Milestones along the way obviously feel even much better, but I think the eventual result while chasing, because I know there's a target on the board, and if you achieve that target, it's a victory, and that feeling that I crave, I'm going to be able to achieve that with my teammates. Virat ab dheere dheere lay pakad rahe the, lekin ab bhi kuch aisa tha
जो विराट को नेक्स्ट लेवल पर जाने से रोक रहा था और वो थी उनकी फिटनेस। एक दिन विराट कोहली अपने आप को शीशे में देखते हैं और वो खुद से कहते हैं कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर कुछ इस तरह का तो नहीं दिख सकता। और फिर उस दिन विराट ने तय किया कि वो बनेंगे दुनिया के फिटेस्ट क्रिकेटर। जब से मैंने अपनी फिटनेस रिजीम चेंज करी, मेरा पूरा करियर, मेरी मतलब थिंकिंग चेंज हो गई मेरी। जैसे मैं गेम के बारे में सोचता था, मुझे अगर फास्ट बॉलर्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी खेलने में, पहले तो मुझे लगने लगा कि मेरे पास ज़्यादा टाइम है क्योंकि मेरे रिफ्लेक्सेस तेज़ हो गए हैं या मेरी स्पीड तेज़ हो गई है फील्ड में, मैं फील्डिंग में ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो जो मेरा एक मेंटल ब्लॉक था वो पूरा खुलता गया। विराट कोहली की फिटनेस का असर अब उनके खेल पर भी दिख रहा था। 2012 उनके लिए अच्छा रहा, 2013 और अच्छा, जहां पर उन्होंने बतौर खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। और अब विराट कोहली धीरे धीरे क्रिकेट की दुनिया में शिखर पर पहुंच रहे थे। लेकिन फिर आता है विराट कोहली के लिए एक बड़ा झटका। साल 2014 इंग्लैंड का दौरा, विराट कोहली इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में पूरी तरह से फ्लॉप रहते हैं। 10 पारियों में सिर्फ और सिर्फ 134 रन और विराट कोहली अपने क्रिकेट करियर का सबसे बड़ा लो वहां पर देखते हैं। I still feel that in test cricket I still have a long way to go and maybe and England, I you need to yeah I understand myself, you know, for me it's very important that and this is for me personally, not for, you know, people to sit down and stack the stats together and said check. But it's for me mentally to understand that the sport is the only thing that I have in life, and the time frame to actually have a professional career is this much in your whole life, and I need to make the most out of it. I want test match victories, I want series wins, at the same time I want to be a very consistent test match player. Virat ko test cricket mein consistent performer banna tha. England mein Virat flop rahe the, lekin Australia mein Virat Kohli super duper hit hue. 2014-15 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, विराट कोहली ने टेस्ट मैचों में जड़ दिए रिकॉर्ड 692 रन, जिनमें शामिल थे 4 शतक। विराट कोहली अब भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान भी थे, बतौर कप्तान उन्होंने शानदार वहां पर शुरुआत करी और पूरी दुनिया विराट के अग्रेसिव खेल की मुरीद बन चुकी थी। He bats like a fast bowler's tenaciousness, you know what I mean? Like that. So he gives it back to him the same way you dish it out. A bit like Viv Richards would have done. Yeah. He's going to play over 100 tests for India. He's the leader. He's got an exceptional knowledge of cricket. Maybe they say that your peak comes from when you're 27, 28 till about 31, 32. So those 4 years. So maybe it is. I mean, I don't know. Only time will tell. But I would like to enjoy this kind of mindset because I've never been in this kind of phase before. वाकई विराट कोहली अपने करियर के सबसे शानदार दौर से गुजर रहे थे। 2015 और 2016 में विराट के बल्ले ने वर्ल्ड क्रिकेट पर जमकर राज किया, चाहे वो आईपीएल में 4 शतक लगाना हो या फिर टेस्ट में भारतीय टीम को नंबर 1 बनाना हो। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम की गूंज थी और वो था विराट। I have become a big fan of Virat and the reason for that is when you see him play over the last 4 years, every time I see him is improving. So it's not just the runs, but it's the match-winning runs which is important, and he exactly does that. So his match-winning ability, I think, glorifies his performances even more. The best players and the best players and the best team players want to be in the hottest place in the kitchen, and I think Virat Kohli wants to be there. Give me the challenge, give me the hardships, and I'll come through it. I think he's aware of what he needs to do. His peripheral awareness is very good. And he doesn't take cricket for granted. Or Virat Kohli, when it comes to, you know, as an Indian, taking the batting to another level, competing globally against all opposition, very much on par with Sachin. He's probably as good as Tendulkar in one-day cricket. Virat ka khel us tar par pahunch chuka tha ki unki tulna the great Sachin Tendulkar ke saath hone lagi thi. Ek aisa comparison jisse Virat Kohli ne hamesha khud ko dur rakha aur apne idol सचिन तेंदुलकर को अपने से मीलों आगे बताया। He can't be compared to anyone, is my opinion. It's not fair at all because you're talking about batsmen of different caliber and a different category altogether. My game has been strengthened over the years. He was someone who, you know, was born with something which was so magnificent, and to do it for 24 years, it's not a joke.
I have only done well for what, 2 years now, 3 years. What he has been able to achieve is superb and hope he continues to do that. बतौर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन बतौर कप्तान सचिन उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। 2017 में विराट कोहली तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन थे और विराट की कप्तानी में भारतीय टीम बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रही थी, लेकिन काबिले तारीफ थी विराट कोहली की खुद की परफॉर्मेंसेज जो बतौर कप्तान और भी ज्यादा निखर कर आई। कैप्टन होने से वो और हेल्प करता है क्योंकि आप सिर्फ टीम के बारे में ही सोच रहे होते हैं हर टाइम पे, तो उस एस्पेक्ट से मैंने सुना है कि बैटिंग में प्रेशर आता है, लेकिन मुझे उससे काफ़ी फायदा हुआ क्योंकि अगर इंडिविजुअल थॉट्स पहले आते भी थे एज अ कैप्टन वो भी आपके बाहर चले जाते हैं क्योंकि आप हमेशा टीम के बारे में सोच रहे हैं और उससे आपका फोकस हमेशा अल्टीमेट गोल पे बना रहता है। विराट का बल्ला तीनों फॉर्मेट्स में आग उगल रहा था, लेकिन वनडे क्रिकेट में विराट का दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं था। बड़े बड़े दिग्गजों का कहना था कि उन्होंने वनडे क्रिकेट में नंबर तीन पर विराट कोहली से बड़ा बल्लेबाज नहीं देखा है। इंडिया इज वेरी लकी टू हैव समवन लाइक विराट कोहली एट नंबर थ्री। He's a fantastic batsman and he will continue to score a lot more runs and win a lot more games for India. His adaptability, his consistency and handling pressure is phenomenal. मैं लकी था कि मुझे नंबर थ्री पे खेलने का कंसिस्टेंटली चांस मिला, तो मुझे अपनी गेम समझ आ गई कि मुझे नंबर थ्री के हिसाब से मुझे कैसी गेम अपनी रखनी है और टीम के लिए क्या रोल प्ले करना है और मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साल 2018 विराट के लिए बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज एक बहुत बड़ी चुनौती थी। साउथ अफ्रीका में भारत एक टेस्ट मैच जरूर जीता लेकिन सीरीज हार गया। विराट कोहली के बल्ले से रन्स भी निकले, लेकिन अगला दौरा था इंग्लैंड का, वही इंग्लैंड जिसने विराट कोहली के टेस्ट करियर पर सवालिया निशान लगा दिया था। I'm not focusing on my performance as a batsman there. This time around, the only intention is to prepare well. So, if I play well, I can contribute towards the team going forward. 5 test match, 593 run. ये थी विराट कोहली की इस सीरीज में contribution. फिर भी भारत test सीरीज हार गया. लेकिन अच्छी बात ये थी कि विराट कोहली ने अपने पिछले दौरे की नाकामी के दाग को धो दिया था. जेम्स एंडरसन, जिन्होंने पिछले दौरे पर विराट कोहली को बहुत बार आउट किया, इस दौरे पर वो विराट के विकेट को तरस गए थे। He was completely in the present moment. He wasn't thinking about his past performances. He wasn't thinking about his future goals as well. So that was I saw in Virat in each and every series, in each and every match. He was actually thinking about the present moment. Virat Kohli, बतौर बल्लेबाज अब हर चुनौती को पार कर चुके थे, और फिर आता है अक्टूबर 2018, जब विराट कोहली बने सबसे तेज ओडीआई में 10,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज। विराट कोहली ने अपने आइडल सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा और पूरी दुनिया उनकी इस परफॉर्मेंस की और उनकी कायल हो चुकी थी। I've seen Gavaskar, I've seen Sachin Tendulkar, I've seen Rahul Dravid and this man, you know, right up there with everyone. The opening batsman could be out first ball. But look at the way Virat's literally running to the crease, saying, "Come on, bring it on. You've got somebody out first ball. I am there. Come on." Virat, I love guys like that. Because too many times you'll hear people speak about arrogance. It isn't arrogance, it's about believing in yourself. You watch him play football before a game, he wants to win. He's basically a winner. He's that driving force. I've really loved watching him from the start of his career. I think there's a lot of similarities with his batting to Sachin Tendulkar, and Sachin was an idol. He was unbelievable. Virat is, you know, on fast track to eclipse just about every batting record that's been set. Virat can go somewhere where nobody will be able to reach. Even inside the dressing room, there is a quiet sense of calm when he walks in at number four. Even if we are two down early, there is a quiet sense of calm. You know that he will put something together. 2018 में भारतीय टीम के तीन major assignments थे: South Africa Test Series, England Test Series और फिर Australia Test Series. साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में भारतीय टीम हार चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया विराट कोहली को बतौर कप्तान अपने आप को साबित करने का आखिरी मौका था। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट सीरीज जीतती है, वो अचीवमेंट जिसको विराट कोहली ने 2011 वर्ल्ड कप जीतने से भी बड़ा बताया। विराट कोहली के लिए ये एक चैलेंज था कि बाहर जाके सीरीज जीतनी है और ऑस्ट्रेलिया में वो जीतना चाहते थे, तो वो उस चीज का जब आप काम पूरा कर लेते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन कुछ अलग लेवल की होती है, तो
विराट कोहली को भी मुबारक हो और टीम को भी मुबारक हो, और ये सब हम जितने भारतीय हैं हमारे लिए ये प्राउड मोमेंट है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। विराट कोहली एक चुनौती को पार कर चुके थे, ओवरसीज वो टेस्ट सीरीज जीत चुके थे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, पर अब बारी थी अगले बड़े मिशन की। वो मिशन था 2019 वर्ल्ड कप, बतौर कप्तान विराट कोहली का पहला विश्व कप। ये अभी तक का सबसे बड़ा टूर्नामेंट मेरे करियर का डेफिनेटली होगा, क्योंकि मैं ऐसे अपने करियर में एक जगह पे हूँ जहाँ पे 10 साल से खेल चुका हूँ, अभी कैप्टेंसी कर रहा हूँ टीम की, टीम अच्छा खेल रही है और लोगों को बहुत उम्मीदें भी हैं टीम से। भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में शानदार खेल दिखाया, भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार थी, लेकिन सेमीफाइनल में 45 मिनट की खराब बल्लेबाजी ने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया, और ये हार विराट कोहली के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। Look, obviously the first few days after we exited the World Cup were quite difficult till the time the tournament got over. I think every time we woke up, it was the worst feeling in the morning, and then through the day you do things and you know sort of get on with your life. World Cup के बाद भारतीय टीम वेस्ट इंडीज जाती है, और सबके मन में एक चिंता थी कि लंबे अरसे से विराट कोहली के बल्ले से शतक नहीं आया। विराट कोहली शतकों का सूखा खत्म करते हैं, और वो भी शानदार अंदाज में, बैक टू बैक शतक। विराट कोहली अब सचिन तेंदुलकर के ओडीआई रिकॉर्ड की बराबरी से सिर्फ 6 शतक दूर हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दशक में 20,000 रन, जी हाँ 20,000 रन बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। He is just one player. Once gets past 50, make sure he gets 100. That's the difference between him and the rest. Two good games with the bat for me, but more importantly, we got the result because of my contribution as well. So that always feels much, much better. Only time will say where Virat Kohli finishes. Only time will say whether Virat Kohli catches Sachin Tendulkar or not. But even if he doesn't, even if he gets close, he will be a champion player. मुझे समझ है कि जब मैं टीम में आया था मेरी एबिलिटी कितनी लिमिटेड थी, और उस हिसाब से अगर मैं 10 साल पहले के टाइम को देखूं और अभी को देखूं, तो अगर मैं कंप्लेन करूं तो मतलब मुझसे ज़्यादा नेगेटिव इंसान नहीं हो सकता है दुनिया में, क्योंकि जब मैं आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। ये थी विराट गाथा, और कैसे सेल्फ बिलीफ ने विराट कोहली को बनाया इस जनरेशन का सबसे बड़ा मैच विनर। स्टोरी पर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज अगर आप और चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए बताएं, और जाते जाते खुद सुनिए विराट कोहली से कि ऐसा क्या है जो विराट कोहली अचीव करना चाहते हैं अपनी जिंदगी और अपने क्रिकेटिंग करियर में। I think that's the kind of state I want to be in. Probably, be a monk living in a civil world. That's my aim. But in general, I want to evolve as a person. As far as my cricketing days are concerned, when I finish, my only aim is to sit down at home and think to myself, yes, I've made a difference to this sport. I've made a difference to Indian cricket, and I've given children to be inspired to something to be inspired to take up the sport in future.